उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परमिंदर सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने सिख समाज के लिए जिस तरह से कार्य किए हैं तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि साहिबजादा दिवस की घोषणा पिछले साल किए हैं। उन्होंने कहा, पिछले साल हम लोगों ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर साहिबजादा दिवस का आयोजन किया था और गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए कार्यक्रम किया था और प्रदेश सरकार ने साहिबजादों की जीवनी को माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल भी किया। उन्होंने कहा कि चारों साहिबजादों के शहादत दिवस को बाल दिवस के रूप में घोषित करने के लिए प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के सामने मांग रखी जा रही थी कि वास्तविक बाल दिवस उसे होना चाहिए जिस दिन गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया जिससे साहिबजादे शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चारों साहिबजादों के शहादत दिवस को वीर बाल दिवस घोषित किया है तथा आज़ादी के बाद से ही कोई भी प्रदेश सरकार ऐसी नहीं है कि जिसने सिख समाज पर ध्यान दिया है और पहली बार अपने सरकारी आवास में गुरु गोविंद साहब का प्रकाश पर्व और गुरु गोविंद का कीर्तन हुआ। उन्होंने कहा, पहले सरकारी आवास पर रोज़ा इफ्तार की दावतें होती थी लेकिन सिख समाज को सम्मान नहीं दिया। केवल सिख समाज को सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो 17 से 18 बार गुरुद्वारा गए और उत्तर प्रदेश के गुरुद्वारों के जीर्णोद्वार के लिए धनराशि का आवंटन किया जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परमिंदर सिंह ने कहा, मेरा गोरखपुर आना सिख समाज, पंजाबी समाज, सिंधी समाज, जो अपना जितना अल्पसंख्यक समाज है, इनके साथ बैठना और विभिन्न सामूहिक विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरा आना हुआ। मेरे साथ गुरुद्वारा साहेब जटाशंकर के आदरणीय प्रधान साहब आपका जसपाल सिंह साहब, आदरणीय अशोक मल्होत्रा जी, सभी लोगों के साथ तथा सिख प्रतिनिधियों के साथ मैंने यहाँ बैठक की और हम लोगों ने जो वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से सिख समाज के लिए कार्य किए हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो साहिबजादा दिवस की घोषणा पिछले वर्ष करते हैं और पिछले वर्ष भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर, सरकारी आवास पर साहिबजादा दिवस का आयोजन किया था और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए कार्यक्रम किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में गुरु साहिबानों की जीवनी, उनके साहिबजादों की जीवनी, माता गुजरी जी की पूरी जीवनी लेके आए और इसी को प्रेरणा बनाते हुए जो चिरपरिचित मांग गोरखपुर से लेके संपूर्ण उत्तर प्रदेश की सिख संगत लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रख रही थी कि वास्तविक बाल दिवस जो है, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादे हैं जिनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया, जो साहिबजादे हमारे दोनों चमकौर की गड़ी में शहीद हो गए, जो माता गुजरी जी की जो हमारी प्रेरणा स्रोत हमारी माँ गुजरी जी थी, उनकी शहादत को नमन करते हुए 26 दिसंबर से 27 दिसंबर के मध्य मनाना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिखों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए वीर बाल दिवस घोषित किया है। आज़ादी के बाद ऐसा कोई भी उदाहरण सामने नहीं आता है जहाँ सिख समाज को लेकर कोई भी सरकार इतनी संजीदा हो। पहली बार सरकारी आवास में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होना, कीर्तन गुरुवाणी का आयोजन होना, पांच कालिदास पे रोजा अवतार की दावतें तो होती थी लेकिन कभी सिख समाज को सम्मान नहीं दिया गया। सिख समाज को सम्मान देने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया। ये ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं जो 4.5 वर्षों में लखनऊ मेरे साथ लगभग 17 से 18 बार गुरुद्वारे गए हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न गुरुद्वारों के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने लगातार धनराशि, चाहे यहाँ गुरुद्वारा जटाशंकर साहब का मामला हो, गुरुद्वारा मोहद्दीपुर का मामला हो, आजमगढ़ में गुरुद्वारा निजामाबाद का मामला हो, पीलीभीत के गुरुद्वारा, सबके लिए 1-1 करोड़, कहीं 50 लाख, कहीं 1.5 करोड़ इस प्रकार की धनराशि उन्होंने आवंटित की। तो वास्तविक अल्पसंख्यक जो सिख समाज और सिख परंपराओं को जो सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति
कृतज्ञता का भाव, सिख समाज का प्रतिनिधि होने का कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सिख समाज सदैव आपके साथ है। हम लोग हर विपत्ति में, हर जगह, हर समय आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हम लोग आपके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं कि आपने सिख समाज को इतना सम्मान दिया है।